रामनाथ कोविंद ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण का शानदार समारोह हुआ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे एस खेहर ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने कुर्सी बदलने की रस्म निभाई और कोविंद को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी। इसके बाद रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए। कोविंद को संसद भवन परिसर में 21 तोपों की सलामी दी गई। शपथ के बाद बतौर राष्ट्रपति देश के नाम अपने पहले संबोधन में कोविंद ने अपने बचपन का जिक्र किया। कोविंद ने कहा कि उनकी यात्रा बहुत लंबी रही है। कोविंद ने कहा कि देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। किसान और महिलाओं से लेकर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों तक हर कोई राष्ट्र निर्माता है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। कोविंद ने कहा कि उन्हें भारत के लोकतंत्र और संस्कृति पर गर्व। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज आतंकवाद, काले धन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हमारी तरफ देख रही है। कोविंद ने कहा कि हमें समान मूल्यों और समान अवसर वाले भारत का निर्माण करना होगा। शपथ लेने के बाद कोविंद ने सेंट्रल हॉल में मौजूद नेताओं से हाथ मिलाया। कोविंद ने कांग्रेस नेताओं से लेकर नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अभिवादन किया। कोविंद ने पीएम मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन तक छोड़ने गए। कोविंद मूल रूप से यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। कोविंद का बचपन काफी गरीबी और अभाव में बीता है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले कोविंद दूसरे दलित व्यक्ति हैं। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज राष्ट्रपति भवन से विदाई दी गई। नाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों एक साथ बग्घी में बैठकर समारोह स्थल पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गाड़ी में सवार होकर प्रणब मुखर्जी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। निरीक्षण पूरा होने के बाद प्रणब मुखर्जी ने वहां मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाया और विदाई ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग तक छोड़ने गए। अब प्रणब मुखर्जी यहीं रहेंगे। 10 राजाजी मार्ग, जी हां, अब ये नया पता होगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। हम आपको तस्वीरें 10 राजाजी मार्ग की ही दिखा रहे हैं। इस जगह पर, इस बंगले में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी ने 26 अध्यादेश लागू किए। 5वें साल में 5 अध्यादेश लागू किए। कार्यकाल के दौरान प्रणब ने 4 दया याचिका मंजूर की, उन्होंने 30 याचिका खारिज कर दी। प्रणब ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्कूली बच्चों को पढ़ाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 75,000 रुपए की पेंशन और 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ मिलेगा। ऑफिस खर्च के लिए उन्हें हर महीने 60,000 रुपए भी मिलेंगे। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति को भारतीय सेनाओं की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गाड़ी में सवार होकर गार्ड सेरेमनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद कोविंद ने बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति भवन परिसर का भ्रमण किया। राष्ट्रपति भवन में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मुख्य न्यायाधीश और अरुण जेटली समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।
राष्ट्रपति भवन में शानदार समारोह हुआ। राजनीति की प्रमुख हस्तियों और पार्टियों ने रामनाथ कोविंद को शुभकामनाएं दी हैं। उनके जैसा एक व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए क्षेत्र से आगे आया है, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश की प्रगति होगी, विकास होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ ग्रहण किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह देश निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर जाएगा। और वह जिस वर्ग से आते हैं उसका देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना, देश में एक नए माहौल, एक नए राजनीति में लोगों के अंदर देश की इंटीग्रिटी के बारे में संदेश देगा। देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति थल सेना, वायु सेना और नेवी के कमांडर इन चीफ होते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जरूरत पड़ने पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद से पारित किसी विधेयक को कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। राष्ट्रपति की भूमिका संविधान के रक्षक की होती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी से जुड़ा कोई व्यक्ति देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पूरा परिवार भी शरीक हुआ। कोविंद के पैतृक गांव में भी खुशियां मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का परिवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने संसद भवन पहुंचा था। परिवार के कई सदस्य पहली बार संसद भवन आए थे। परिवार वालों ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुभकामनाएं दी। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक की शपथ लेंगे। आज वो बेहद खुश हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, प्राइड मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मतलब हम लोग के, क्योंकि हम लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आज ये क्षण हमें नसीब हुआ है। रामनाथ कोविंद मूल रूप से कानपुर के परौंख गांव के रहने वाले हैं। कोविंद के शपथ लेने पर गांव में जश्न का माहौल है। लोगों ने ढोल मंजीरे बजाकर खुशियां मनाई। उनकी खुशी में हमी ने ये बनाया है गीत कि महामहिम तुम्हारी नगरी में आज खुशी मनाई जाती है, ऐसे प्रेमी सब मिल करके फिर मिठाई खिलाई जाती है। सभी लोगों को खुशियां अपार हैं जो है, अब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही सबसे बड़ी जो है हम लोगों को आशा थी, वो हम लोगों की आशाएं पूरी हो गई। रामनाथ कोविंद 7 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। कोविंद का बचपन गरीबी में गुजरा है। रामनाथ कोविंद 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। कोविंद ने तीसरी बार में IAS की परीक्षा पास की लेकिन नौकरी नहीं की। सादगी पसंद रामनाथ कोविंद हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि एक आम नागरिक भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। कांग्रेस के 6 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ ही TMC, NCP और RJD के सांसद भी शामिल हुए। कांग्रेस के 6 सांसदों के लोकसभा के निलंबन के विरोध में विपक्ष ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि निलंबित सांसदों का निलंबन तत्काल वापस लिया जाए। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के सांसदों के साथ ही दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हुए। आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। हम अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो सरकार जब मानती नहीं है तो ऐसी घटनाएं घटती है, और कई बार पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खुद उठ के बात करते हैं लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमको मौका नहीं मिलता। तो जब वन साइडेड ऐसी बातें होती हैं तब ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो इसको इतना बड़ा हार्श पनिशमेंट देना ये उचित नहीं है। गौ हत्या के नाम पर, बीफ मीट के नाम पर युवाओं की हत्या कर दी, खून खराबा कर दिया, ये गलत है? या उन बातों को सदन में नारे के द्वारा उठाना और जब सत्ता पक्ष कान में रुई डाल के बैठ जाए तो चिल्ला चिल्ला के उनको ये कहना कि हमारी बात को सुनो, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे सोमनाथ दादा भी याद है, ममता भी याद है, मुझे भगत सिंह भी याद है। अगर देश की अखंडता को बचाने के लिए ये गलती हमें दोहरानी पड़ेगी तो हम बार बार दोहराएंगे। वो बेवजह और संवैधानिक कार्य किया,
सदन में रह करके टेबल पर सभा अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने जो जिस ढंग का व्यवहार किया उनके साथ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। इससे पहले कल लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए संसद से निलंबित कर दिया था। निलंबित सांसदों पर स्पीकर पर पर्चे फेंकने का आरोप था। कई बार चेतावनी के बाद भी जब सांसद नहीं माने तो स्पीकर ने 6 सांसदों को निलंबित कर दिया। कांग्रेस के जिन 6 सांसदों को निलंबित किया गया है उनके नाम हैं गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, सुष्मिता देव, रंजीता रंजन और एम के राघवन। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों के निलंबन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ ही टीएमसी, एनसीपी और आरजेडी के सांसद भी शामिल हुए। विपक्ष ने 24 जुलाई को लोकसभा में गोरक्षा मुद्दे पर बहस की मांग की। विपक्ष ने प्रश्नकाल रोककर गौरक्षा पर बहस की मांग की। स्पीकर ने मांग मानने से इनकार किया और शून्यकाल में बात उठाने को कहा। स्पीकर के इनकार के बाद कांग्रेस के 6 सांसदों ने स्पीकर पर पर्चे फेंके। स्पीकर ने 6 कांग्रेस सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 374A के तहत 5 दिन के लिए निलंबित किया है। टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार 7 आरोपियों को आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 18 दिन की कस्टडी में एनआईए को सौंप दिया। आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार हुर्रियत के 7 नेताओं को आज पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। एनआईए ने हवाला फंडिंग मामले में हुर्रियत के 6 नेताओं को श्रीनगर से और 1 नेता को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में 1 सैयद शाह गिलानी का दामाद भी शामिल है। इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई घाटी के भीतर भी हो रही है और सीमाओं पर भी हो रही है। इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई बरसों में देखने को नहीं मिली थी और ये इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। सबूत मिलने के ऊपर गिरफ्तारी की है तो कानून तो अपना काम करेगा और इस तरह से जो अलगाववादी नेता हैं, गिलानी हैं या अन्य हैं, उनका भी असली चेहरा देश के सामने आया है। जो जांच एजेंसी काम कर रही है वो देश के हित में काम कर रही है। हमें यहाँ से आतंक समाप्त करना है, अलगाववादियों को अपनी जगह दिखानी है, देश को हमें अखंड रखना है, देश की रक्षा करनी है और कश्मीर की जनता को सुरक्षा देनी है। हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अलगाववादी नेताओं ने आज घाटी में बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत के बंद की अपील के बाद घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े नेताओं ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी को एनआईए की बड़ी कामयाबी माना है। एनआईए को मुबारक, अब सच्चाई सामने आएगी, आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम होगा कि पैसा कहां से आया, किसने लाया, उसको कैसे इस्तेमाल किया गया। ये खुशी की बात है। बाजार में चलते चलते चूहों को पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हो, कहते हमने शेर बंद कर दिया। जो सही मायने में वो लोग जो भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं करते। गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश समेत इन नेताओं पर पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेने के मामले में एनआईए ने 30 मई को केस दर्ज किया था। 3 जून को एनआईए ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। जी न्यूज ने साल भर पहले कश्मीर में अलगाववादियों को पाकिस्तान और वहां के आतंकी संगठनों से होने वाली फंडिंग का खुलासा किया था। एनआईए की टीम कई बार अलगाववादियों से पूछताछ कर चुकी थी। एनआईए ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। सभी पर आतंकवादियों के लिए फंड जुटाने और पैसा सप्लाई करने का आरोप है। हुर्रियत के सभी नेताओं को बेहतर सुरक्षा के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना से एनकाउंटर के बाद भागे आतंकियों की तलाश जारी है। कार सवार आतंकी बांदीपुरा के अजस इलाके में चेक पॉइंट पर दिखे थे। चेक पॉइंट पर रोकने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना के जवाबी हमले में आतंकी फरार हो गए। सुरक्षा बलों को मुठभेड़ वाली जगह से ग्रेनेड और पाउच मिले हैं। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा श्रीनगर बांदीपुरा हाईवे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। असम के कोकराझार इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। मौके से एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज कर दिया। मारे गए उग्रवादी की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सेना और असम पुलिस को उग्रवादी हमले की खुफिया सूचना मिली थी।
सोमवार रात को सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। आज सुबह करीब 6 बजे पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग के दौरान एक उग्रवादी मारा गया। सेना ने पुलिस की मदद से उग्रवादी की लोकेशन का पता लगाकर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पिछले साल अगस्त में बोडो उग्रवादियों ने कोकराझार में अंधाधुंध फायरिंग कर 13 लोगों की हत्या कर दी थी। डोकलाम विवाद पर चीन ने भारत को दूसरे युद्ध की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स अखबार में लिखा है, चीन के लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। डोकलाम विवाद पर बौखलाया चीन लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए कहा है कि डोकलाम विवाद पर चीन के लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। चीन और चीनी लोगों की गरिमा के बीच कोई नहीं आ सकता। दुनिया का कोई भी देश उसकी सीमा उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर भारत अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो ये समय उसे दूसरा सबक सिखाने का है। डोकलाम विवाद पर तनातनी के बीच चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल पर भी निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि डोकलाम विवाद के पीछे अजीत डोवल का हाथ है। 27 जुलाई से डोवल ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को डोवल की यात्रा से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि डोवल की बीजिंग यात्रा डोकलाम विवाद को हल करने का मौका नहीं हो सकती। ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक एक रूटीन प्रक्रिया है जहां भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा नहीं की जा सकती। अगर डोवल सीमा विवाद पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। अजीत डोवल 27-28 जुलाई को बीजिंग जा रहे हैं। डोवल की यात्रा से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अजीत डोवल साहब की वहाँ के एनएसए से बातचीत हो, इसलिए बातचीत होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर बातचीत होगी तो ये जो मसला है इस वक्त डोकलाम वाला, ये सॉल्व होने के भी चांसेस हैं। चीन और भारत की सेनाएं भी आमने सामने हैं। श्री डोभाल के बीजिंग में उपस्थित रहने के बाद कूटनीतिक तौर पर यह मामला समाप्त हो जाएगा, ऐसी इच्छा हम रखते हैं। डोकलाम 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो चीन की चुंबी वैली से सटा हुआ है। डोकलाम भारत में सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास है, जिसे ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है। एक महीने से ज्यादा वक्त से डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। डोकलाम भारत, चीन और भूटान के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक चीन भारत को युद्ध की धमकी देकर दबाव बनाना चाहता है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान मुश्किल में है। नदियों में पानी का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। बारिश और बाढ़ से सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1000 जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। सौराष्ट्र के बाद अब उत्तर गुजरात को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ प्रभावित अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है। बारिश की वजह से अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए गुजरात सरकार ने 27 जुलाई से होने वाली नर्मदा जल यात्रा को टाल दिया है। सीएम विजय रूपाणी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गुजरात के साथ ही राजस्थान के भी कई इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों को तालाब बना दिया। 3 जिलों में विशेष रूप से बाढ़ का प्रकोप रहा है और चौथा जिला अब जुड़ रहा है वो बाड़मेर। सबसे ज्यादा जो संकट की स्थिति थी वो जालौर में थी। असम में भी बाढ़ से मुसीबतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए कैंप लगाए गए हैं और इस काम में सरकार के साथ ही दूसरी संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बाढ़ की वजह से देश के दूसरे राज्यों में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लोग लगातार हो रही बारिश से परेशान हैं। रांची में बाढ़ ने पुल को ही बहा दिया है तो नवादा में बारिश की वजह से मकान ढह गया। नदी में उफान की वजह से हल्द्वानी में लोगों को अलर्ट किया गया। ओडिशा के क्योंझर और भद्रक में ODRAF को तैनात किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बाढ़ ने कई पुलियों को डुबो दिया है। बाढ़ की वजह से देश के दूसरे राज्यों में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में भी 48 घंटे बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, असम और मेघालय में बारिश की चेतावनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई लोगों के अब भी दबे होने की आशंका है। घाटकोपर की साई दर्शन बिल्डिंग में आज सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इस इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 4 मंजिला इमारत सुबह 11 बजे ढह गई और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि लोगों को भी हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मलबे में से लोगों को बाहर निकाला जा सके। सरकार ने हादसे की वजह की जांच के आदेश दिए। घटना जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, वो किस कारण हुई है, इसकी इंक्वायरी, इसकी तपास, इसके बारे में किसी को फ्रेम में करना। फायर फाइटर्स और बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि बिल्डिंग काफी जर्जर थी। बहुत बड़ा धमाका हो गया, ऑल ऑफ सडन ये पूरा बिल्डिंग जो सोच भी नहीं सकते थे नीचे आ गया। ऑल ऑफ सडन अभी तक तो हमारे सामने दर्जन को रेस्क्यू किया है, 10 से 12 जन और बहुत सारे फैमिली स्टिल नीचे फंसे हुए हैं। साई दर्शन बिल्डिंग करीब 40 साल पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। जिस वक्त हादसा हुआ बिल्डिंग के नीचे वाले एक फ्लोर पर काम चल रहा था। इस बिल्डिंग में कुल 16 फ्लैट हैं जिनमें करीब 60 लोग रहते हैं। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक नर्सिंग होम भी चल रहा था। चश्मदीदों का कहना है कि बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी, बावजूद इसके बीएमसी की जर्जर बिल्डिंग्स की लिस्ट में इसका नाम तक नहीं था। फास्ट इंपैक्ट्स में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।